अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो अब इवनिंग का टाइम है और आज बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि आज सारा दिन बारिश हुई है तो बहुत अच्छा मौसम है। और शाम के टाइम में चाय बनाने लगी हूँ, तो चाय के साथ मैं आज बनाने लगी हूँ क्योंकि मौसम अच्छा है। तो बेसन की रोटी, या इसे चीला कहते हैं, तो ये बेसन लेना है। एक कप बेसन लिया, टमाटर, प्याज और एक सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। और ये थोड़े से मैंने मसाले लिए हैं, नमक, नमक, मेथी और दड़ा मिर्च और थोड़ा सा धनिया साबुत। जैसे पकौड़ों में चीज़ें डालते हैं थोड़े से इन्ग्रीडियंट्स, वो डालें और सिर्फ ये डालें, तो इससे इतनी अच्छी बेसन की रोटी तैयार होती है। और मुझे तो चाय के साथ या नाश्ते के साथ बहुत पसंद है। तो जब भी ऐसा मौसम हो तो हमारे घर में ये ज़रूर बनती है। और जो प्याज हैं वो लंबे लंबे कटिंग करने हैं, इस तरह पतले पतले लंबे लंबे जी। और ये भी मसाले भी इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, बेसन की तरह ही अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो मुझे तो पकोड़ों से भी ज़्यादा ना ये अच्छा लगता है। एक तो इसमें ऑयल कम होता है, मुझे ऑयली चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। साथ ही मैंने तवा रखा है और साथ चाय रख दी है। चाय भी इतनी देर में तैयार हो गई, साथ ये हो जाएगा। ऑयल डाल दी है सबसे पहले, इसे साथ ही इस तरह थोड़ा सा डालना है और इसे फैला लेना है। कर देते ना इस तरह, रोटी की शेप दे देनी है। ये हल्की आंच पे एक साइड से हो जाए तो इसे दूसरी साइड पे डाल देना है, ठीक है? दूसरी तरफ से कर देनी है और मीडियम फ्लेम पे ना इसे हल्का हल्का पकाना है। और ये इतने मज़े की तैयार हो जाएगी, चाय के साथ तो बहुत ही अच्छी। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं है, साथ चाय रखें और साथ एक आलू, एक प्याज लिया था, एक टमाटर और एक सब्ज़ मिर्च, इसमें तीन चीज़ें ऐड की हैं, थोड़ा सा सब धनिया पड़ा था और थोड़ा सा बेसन डाला है, और तीन चार इसमें से आराम से तैयार हो जाते हैं। और उसे हल्का हल्का हिलाना है तो इस तरह ये क्रिस्पी सा पराठा तैयार होता है, बेसन की रोटी तो चाय के साथ बड़े मज़े के लिए। ये हल्की आंच पे कितना अच्छा क्रिस्पी सा हो रहा है पराठा, दोनों साइडों से अच्छी तरह पका लेना है और ये टूटेगा भी नहीं। फर्स्ट टाइम इसे जब करना है ना डाल के, तो उसे जब एक साइड से बिल्कुल हो जाए तब इसे दूसरी साइड पर डालना है, तब ये अच्छी तरह तैयार होगा। ये तैयार हो गया तो अब इसमें प्लेट में निकाल लूँगी और साथ चाय भी तैयार हो गई है। देखिए, उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।